पतंजलि योग पीठ हरिद्वार की ओर से, योग ऋषि परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज की ओर से पूरे देश को, पूरे भारत को, एक एक गांव को, एक एक व्यक्ति को निरोग बनाना है और गांव से रोग को भगाना है। उसके लिए भगवान कृष्ण की परंपरा को एक बार फिर से हम गलियों में, गांवों में, कस्बों में एक बार हम ऐसे प्रचार और प्रसार करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और दृढ़ संकल्प के साथ हम लोग लगे हुए हैं कि भारत फिर से विश्वगुरु बने और एक एक व्यक्ति स्वस्थ और समृद्धि को प्राप्त करते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहें। आज का यह कार्यक्रम हम लोग 5 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर के रूप में बिहार प्रांत के भोजपुर जिले के उद्वंत नगर प्रखंड के ऐतिहासिक डिलिया गाँव के आम के बागीचे में प्रारंभ कर रहे हैं और इतना बढ़िया मौसम है कि चारों तरफ खेत हरा भरा है, कहीं गेहूँ लगा है, कहीं मसूर है, कहीं तीसी लगा है और जिस बगीचे में बैठे हैं आम पूरे जोश और पूरी तन्मयता के साथ, मंजर के साथ भरा हुआ है। तो आइए ऐसे पवित्र वेला में हम सभी चैत के महीना में योग शिविर के माध्यम से कैसे शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, कैसे निरोग कर सकते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोगों को आसन में बैठना है। बायां पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर और दोनों घुटना जमीन में सटाते हुए सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन, जिसको जैसी अनुकूलता है उस अनुकूलता को प्राप्त करता हुआ आसन को ग्रहण करेगा और ध्यान मुद्रा अंगूठा और तर्जनी के अग्रभाग को मिलाकर बाकी तीनों अंगुलियों को सीधा करते हुए दोनों हथेली को आसमान की तरफ खोलते हुए दोनों हथेली को घुटना के मध्य में रखेंगे। केहुनी को मोड़ते हुए कमर से लेकर के माथे तक 90 डिग्री की स्थिति में सीधा बैठेंगे। उसके बाद आंख बंद करके 3 बार ओम का उच्चारण, गायत्री मंत्र आदि का हम जाप करेंगे। तो आइए सांस भरिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मायमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।